sexually assaulted her and जैसे कि सभी ने देखा कि कई प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जा रही हैं स्टूडेंट्स के द्वारा कनाडा में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉबेबली सूनर और लेटर 100+ स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करा जाएगा एंड काफ़ी दुख की बात है बेसिकली ये। शायद आपने एक स्टोरी सुनी हो भी रिसेंटली, USA में एक पंजाबी लड़का था, ठीक है, दैट वाज ऑन द काउंटर एंड गन पॉइंट पे किसी अमेरिकन पर्सन ने उस स्टोर को लूटने की कोशिश करी एंड दैट पंजाबी गए दैट वाज रियली ब्रेव कि उसने उस सिचुएशन को डील करने की कोशिश करी, चाहे उसका स्टोर ना होते हुए भी, चाहे वहाँ पे कैमरास भी लगे थे, बट स्टिल ही वाज रियली अ ब्रेव पर्सन। इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा मुझे पता, क्योंकि मे बी वो पर्सन इतना पॉपुलर नहीं था जिसके रिगार्डिंग किसी को व्यूज आए, ठीक है, बट स्टिल कुछ लोग जो देखते हैं, ठीक है, काफ़ी मैंने कॉमेंट्स पढ़े नीचे, पीपल वर सेइंग कि यार उस पर्सन को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। अरे भाई यार, जब वो सिचुएशन किसी के ऊपर आती है ना तो कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, ठीक है, कुछ नहीं पता कि पर्सन क्या कर बैठे, उसको भी नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो बस एक यही दुआ है कि बाबा जी उन्होंने परिवार को बल बख्शन एंड एक तरफ चलो वो पर्सन लगा लो भी जिन्हें अपनी जान ते खेड के, ठीक है, ट्राई करने की कोशिश की एक स्टोर नू सेव करने की, चाहे वह स्टोर है भी नहीं। एंड सैकेंड, कैनेडा दे विच रीसेंटली स्ट्रॉबेरी हिल दे उत्ते, है ना, थानू शायद न्यूज़ तुसी देखी होनी प्रोबेबली, वहाँ पे बेसिकली एक पुलिस ऑफिसर ने एक लाउड कार सुनी, ठीक है, मफलर होता जैसे वो रिमूव करा हुआ था कार का एंड इट वॉज क्वाइट लाउड। जब वो पुलिस ऑफिसर ने मतलब वहाँ पे जाके उसकी शनाख्त वगैरह करी और उसको काफ़ी क्रिटिसाइज करा गया, वहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाए, उसको बोला कि अपना बैच नंबर वगैरह दिखाओ वट एवर, है ना, बस वो अकेला पर्सन था, प्रॉब्लम ये थी। एंड देर वर लॉट ऑफ इंडियन गाइस जो कि उसको काफ़ी बोल रहे थे और डरा भी रहे थे एंड उसे पता कि वो वहाँ से कैसे निकला। शायद अगर वो थोड़ा टाइम और वहाँ पे रुकता तो कोई ना कोई हादसा हो सकता था वहाँ पे। सेकंड जो है, 31-year वुमेन सेक्सुअली असॉल्टेड बाय 3 इंडियन मैन, ठीक है, एक तो ये मतलब काफ़ी मतलब यार कभी कभार ना इंडिया दे विच ठीक है भी आप कहने भी नहीं साडा है ना भी काम ओके हैगा, सारे की गल कर रहा मैं, तो अपने को एक अपॉर्चुनिटी, वी आर हैविंग द अपॉर्चुनिटीज टू मूव टू डिफरेंट कंट्रीज टू स्टडी एंड टू वर्क एंड टू रिमेन देयर, वी कैन स्टार्ट अवर ओन बिजनेसिस देयर, बट यार उस अपॉर्चुनिटी को गलत वे दे नाल मिसयूज़ करना बहुत मतलब ऐं लगा लो कि किन्ने किन्ने पैसे आप जो चक देंगे, है ना, चक के लिमटा फिर कितना कितने आप बाहर जाने हैं, तो यह जिहड़ी चीज़ है काफ़ी ज़्यादा मतलब वी हर्ट कर दी हैगी, मतलब एक इमेज है ना, ठीक है, थानू पता एट द एंड ऑफ द डे यू आर द विक्टम्स गाइस, मैं बताता हूँ क्यों। लास्ट जो रिसेंटली केस हुआ टॉल प्लाजे पे, तो काफ़ी बड़ी फाइट हुई है, ऑलमोस्ट मे बी 100 पीपल वर इन्वॉल्व इन दैट, है ना, एंड जो भी बेस बैट्स स्वॉर्ड्स वट एवर, है ना, जो भी चीज़ें थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि चलो वो तो डिपोर्ट होंगे, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक इमेज ऐसी बन जाएगी आपकी, जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपकी जो एक इमेज है क्रिएट हो जाएगी कि हाँ, और जो क्राइम रेट है ना वो जितना, चलो मैं नहीं बोलूँगा कि पहले था नहीं, पहले भी बहुत है कैनेडा में, बट स्टिल राइज तो आया है, इस वजह से आपको अभी भी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ रही हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो वीज़ा ना मिलने की हो, लेट PR की हो, ठीक है, सिटीजनशिप हो, कहीं ना कहीं पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो जस्ट मेरी एक ये अपील है कि भाई अपने पेरेंट्स की फिक्र करा करो यार, उन्होंने इतने पैसे लगा के जस्ट ये सोच के भेजा कि हाँ कि हमारा बेटा या हमारी बेटी वहाँ पे जाके कुछ करेगी, है ना, हमारी फैमिली को थोड़ी सुधारेगी, अगली जो जनरेशन है कुछ बढ़िया मतलब ग्रैब करेगी, ठीक है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर और ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। 2017 में भी शेरटन प्लाजा में यही चीज़ हुई थी एंड उस टाइम भी कई स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करा गया एंड दिस टाइम ऑल्सो प्रॉबेबली काफ़ी स्टूडेंट्स डिपोर्ट होंगे। यार एक ही लाइफ है, उसको अच्छे से संभाल लो, अगर ठीक है किसी के साथ नहीं बनती तो भाई ठीक है, लीव इट, फिर नहीं बनती थोड़े नाल, है ना, मतलब एक यार ये सीधी जी गल है भी ठीक है, तुम पढ़ना है तुम पढ़ लो, दैट्स इट, लीव इट, आपका जो PR वगैरह हैगा, सिटीजनशिप है वो लो, दैट्स इट, उदो बाद भावें वापस आ जाए भावें उत्थे गांह सैटल हो जाओ, मतलब मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक ओपीनियन दे रहा हूँ कि यार आप तो चलो ख़राब हो ही रहे हो वहाँ पे, है ना, लेकिन दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। आई विश आगे से ये चीज़ें ना हो, ये जस्ट मेरी एक विश है, ठीक है, क्योंकि ना तो मैं कोई मतलब पॉलिटिक्स से संबंध रखता हूँ, है ना, ना मेरा कोई वहाँ पे लेना देना, बट स्टिल दिस इज़ जस्ट माई विश, दिस इज़ जस्ट माई ओपिनियन एंड हाँ ये आपके तक ही सीमित है एंड आई एम रियली थैंकफुल कि मेरे पास एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोज़ देखते हैं जिनकी मैंटालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी मतलब हाई थिंकिंग रखते हैं, क्योंकि जब भी मैं लाइव सेशन लगाता हूँ वो पता चल जाता है कि यार हाँ स्टूडेंट काफ़ी वेल एजुकेटेड जो मेरे पास आते हैं ऑलमोस्ट वही हैं
जो मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड है. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग.